हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। अंत का दिन चल रहा है तो हमें थोड़ी बहुत बाइबल से जानकारी रखनी ही चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश जरूर करना। अगर आप एक मसीही हो, अगर यीशु के वचनों को हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मत लेना। अगर आपके जीवन में पाप हैं तो यीशु के सामने रख दो और मान लो कि यीशु हमें माफ़ कर दो। अगर आप इसी तरह पाप करते रहोगे और यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाओगे तो आपका क्या हाल होगा, अभी आपको आगे बताया जाएगा। यीशु का भयानक दिन, यीशु का भयानक दिन नज़दीक आ गया है और बहुत जल्द भड़कने वाला है। इसलिए आप यीशु के पास लौट आओ अपने पापों को छोड़कर, वरना आपकी लाश इस पृथ्वी पर पड़ी रहेगी मसीह विरोधी के दिन में खाद के समान। इसलिए अभी समय है, यीशु के पास लौट आओ और बचा लो अपने आप को, और आपकी आत्मा इस धरती के नीचे चली जाएगी। धरती पर पड़ी लाशों को कोई उठाने वाला ना होगा, वे खाद के समान पड़ी रहेंगी, उनको कोई मिट्टी ना देगा और आपका शरीर खाद के समान इस पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। अगर यीशु के साथ रैप्चर में नहीं गए तो कुछ ना कुछ पाप करके रह गए और फंस गए मसीह विरोधी के दिन में, तो ऐसा ही हाल होगा। जैसे यिर्मयाह 16 अध्याय के 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, यिर्मयाह के पास पहुँचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और वे और जो पिता इन्हें इस देश में उत्पन्न जन्माएं और जो माताएं उन्हें जन्मे उनके विषय में यहोवा यूँ कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनको कोई मिट्टी ना देगा, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लौथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। इसलिए यीशु ने लुका के पुस्तक में भी कहा है 23 अध्याय के 29 वचन में, जैसे धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। इसलिए यीशु ने कहा है इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। जिस स्थान में आप रह रहे हो उस स्थान की यहोवा बात कर रहा है। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली और अगर आपके बच्चों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया, अगर वे खाद के समान उनकी लाशें पड़ी रहेंगी मसीह विरोधी के दिन में, खाद के समान पड़ी रहेंगी उनकी लाशें, वे तलवार से मारे जाएंगे, महंगी से मारे जाएंगे और उनकी लौथे आकाश के पक्षियों और सब मैदान के पशुओं का आहार होंगी, उनकी लाशें जानवर नोच नोच कर खाएंगे। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना। जैसे यिर्मयाह 9 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, तू कह यहोवा यूँ कहता है, मनुष्यों की लौथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं और उनको कोई उठाने वाला ना होगा। आपने देखा ही होगा, जब रबी की फसल काटी जाती है तो बाली टूट टूट कर पीछे गिरती है और उनको कोई भी नहीं उठाता है। ऐसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लौथें ऐसी पड़ी रहेंगी और उनको कोई उठाने वाला नहीं होगा। उस समय आप बिन चरवाहों की भेड़े बन जाओगे, कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का सारा प्रकोप इस पृथ्वी पर भड़कने वाला है। जैसे यिर्मयाह 15 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे कहें पूछे कि हम कहाँ चले जाएं, कहाँ निकल जाएं, तो कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को चले जाएं, और जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध चार प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार से, फाड़ डालने वाले के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। इतना भयानक दिन आने वाला है मसीह विरोधी के दिन में, जो आपका शरीर होगा वो पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, उसको कुत्ते और चील कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे, आप बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे, कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी। उस समय आपको एक बार ही चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का। इसलिए यीशु जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो। अगर आप यहाँ रह गए तो
आपके शरीर को जानवर नोच नोच कर खाएंगे और आपको फार डालेंगे। परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे एक दूसरे को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। समय कम बचा हुआ है और दिन बुरे हैं। ये सब कब होगा अभी आपको आगे बताया जाएगा, जैसे प्रकाशित वाक्य के 6:7 वचन में लिखा हुआ है। और जब उसने चौथी मोहर खोली, किसने खोली? मेमने ने खोली, यीशु मसीह ने खोली। तो मैंने चौथे प्राणी को एक शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जब परमेश्वर मरी और पीड़ा देने वाली ऐसी बीमारी परमेश्वर भेज देगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा और वन पशुओं के द्वारा लोग मारे जाएंगे, सब पृथ्वी के वन पशु आपको फाड़ नोच कर खाएंगे। यह तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उतना ही हाहाकार मचता जाएगा, उतनी ही मुसीबतें आपके ऊपर टूटती जाएंगी। परमेश्वर यूँ कहता है जैसे प्रकाशित वाक्य, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन नज़दीक आ पहुँचा है। अब कौन ठहर सकता है? जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के ऊपर भयानक दिन आने वाला है। अब कौन ठहर सकता है? जैसे यह 7:5 में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, एक बड़ी विपत्ति आती है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है, हे देश देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका है, समय आ पहुंचा है, समय निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं कुल्हड़ ही का होगा। अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा प्रकोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन के अनुसार तेरा फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे सब घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, दंड देने वाला ईश्वर। देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका है, छड़ी फूल चुकी है, अभिमान फूला है। अगर आपको कोई गंदी लत लगी हुई है तो उसे धीरे धीरे छोड़ दो अपने और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। वरना यहाँ पर रह गए तो जानवर आपको नोच कर खाएंगे। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, इसलिए सच्चे मन से परमेश्वर के पास लौट आओ, वो आपको माफ कर देगा। वह आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है। अभी मौका है और संभल जाओ, वरना बाद में यह मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक बार चांस दिया जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।